केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। आंदोलन को गति देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ऐसे में पीएम मोदी का ये फैसला उन्हें आंदोलन के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उनके जीवन की कुछ खास झलकियां। मैं लाल कृष्ण अडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लाल कृष्ण अडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। स्नेह का प्रदर्शन हो रहा है सब परिचित लोगों का, मैं उसको अपने लिए आशीर्वाद मानता हूं और अपने दायित्व का स्मरण करने वाला एक संकेत मानता हूं और इतना ही कहता हूं कि भगवान मुझे शक्ति दे कि इन सब के स्नेह और आदर के मैं पात्र बन सकूं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।